तो हाय दोस्तों, मैं हूँ चेतन पटेल एंड आपका स्वागत है लर्न बाय चेतन पर। आज मैं लेके आऊँ लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट नंबर 25। इससे पहले हम 24 पार्ट कवर कर चुके हैं, सो आप जाके उनको चेकआउट कीजिए और कमेंट में बताइए आपको पार्ट कैसे लगे। और प्लीज वीडियो में कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता लगे कि मैं जो भी कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे वर्किंग ऑफ इफ else if और else, मींस हमने सिंपली एक बार वर्किंग देखी किसकी, इफ else की वर्किंग देखी थी। किसकी वर्किंग देखी हमने, इफ एंड else की। तो हमने सिंपली क्या देखा था भाई, यहां पर एक कंडीशन लिखी जाती है, ठीक है। अगर कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो इफ के अंदर का स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो else के अंदर का स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। जब हमारे पास एक कंडीशन हो, ठीक है, और टू क्या हो, आउटपुट हो, तो हम क्या करेंगे, इफ इल्स का यूज करेंगे। लेकिन इफ इल्स इफ और अगेन इल्स कब यूज किया जाता है, तो देखो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि जब आपके पास क्या हो, मल्टीपल कंडीशन होनी चाहिए आपके पास, एंड साथ में हर कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मल्टीपल आउटपुट। क्या होना चाहिए, मल्टीपल आउटपुट। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है और मल्टीपल आउटपुट है तो आप किसका यूज करोगे, इफ एल्स इफ। अब आप मल्टीपल एल्स इफ भी यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास क्या है, आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, उस प्रोग्राम में क्या है, मल्टीपल कंडीशन है, मीन्स एक सारा कंडीशन है और अलग अलग कंडीशन के अलग अलग आउटपुट है, तभी आपको क्या यूज करना है, इफ एल्स इफ यूज करना है। जैसे आपने यहां पे क्या लिखा, पहले लिखा इफ, यहां पर कंडीशन फर्स्ट लिख दी, कंडीशन वन। अगर कंडीशन वन ट्रू हुई तो आप चाहते हो कि आपका यहां पे लिखा हुआ आउटपुट क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। फिर आप चाहते हो कि अगर कंडीशन वन ट्रू हो तो ये प्रिंट हो, अगर एक अदर कंडीशन हो तो आप कुछ और आउटपुट चाहते हो, तो यहां पे क्या लिखोगे, इल्स इफ। अगर मल्टीपल कंडीशन देना चाहते हो तो यहां पे क्या लिखोगे, कंडीशन टू। अगर कंडीशन टू ट्रू है, अगर कंडीशन वन ट्रू है तो आप ये आउटपुट प्रिंट करना चाहते हो, कंडीशन टू ट्रू है तो ये आउटपुट प्रिंट करना चाहते हो। तो अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है और मल्टीपल क्या है, आउटपुट है, हर कंडीशन के लिए अलग अलग आउटपुट, तो आप क्या यूज करोगे, इफ इल्स इफ। आप चाहो तो अगेन क्या यूज कर सकते हो, इल्स इफ यूज कर सकते हो। यहां पर क्या लिखेंगे हम, कंडीशन थ्री। अगर आप मल्टीपल कंडीशन, कंडीशन वन हो, कंडीशन टू हो, कंडीशन थ्री हो, और मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल आउटपुट भी होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास ओनली दो कंडीशन होती है, मतलब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती है लेकिन आउटपुट सिर्फ क्या होते हैं, दो होते हैं, तो तब हमें इफ इल्स इफ का यूज नहीं करना है। अगर मल्टीपल कंडीशन है तो हम क्या कर सकते हैं, इफ के अंदर कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री, मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हैं और आउटपुट सिर्फ दो है, तो हम इफ बनाएंगे और क्या बनाएंगे, इल्स बनाएंगे। और इफ के अंदर पहला आउटपुट लिख देंगे, आउटपुट वन प्रिंट करवा देंगे, और इल्स के अंदर आउटपुट टू क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो मेरा काम किससे हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा ओनली इफ इल्स से, कि भाई आउटपुट सिर्फ दो है लेकिन कंडीशन मल्टीपल है, तो मैं यहां पे क्या करूं, कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री, बीच में क्या कर सकता हूं, लॉजिकल एंड भी यूज कर सकता हूं, चाहो तो लॉजिकल और भी यूज कर सकता हूं। डिपेंड करता है कि मुझे सारी कंडीशन ट्रू हो तो ये आउटपुट चाहिए, या कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो तो ये आउटपुट चाहिए। अगर सारी कंडीशन ट्रू और आउटपुट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, लॉजिकल एंड लगा दूंगा। अगर किसी एक भी कंडीशन ट्रू है, कोई सी एक भी कंडीशन मुझे आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या लगा दूंगा, लॉजिकल और लगा दूंगा। और अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो गया, एक के अंदर फॉल्स वैल्यू आएगी, तो कौन चलेगा, एल्स, क्या बैठ करेगा, आउटपुट टू। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, आपके पास मल्टीपल आउटपुट हो, कंडीशन वन के लिए आपके लिए आपके आपके पास क्या हो, एक आउटपुट वन हो, कंडीशन टू के लिए आपका डिफरेंट आउटपुट हो, क्या हो, आउटपुट टू हो, कंडीशन थ्री के लिए आपके पास डिफरेंट आउटपुट है, क्या है, आउटपुट थ्री। जब आपके पास मल्टीपल आउटपुट होते हैं
और हर एक कंडीशन के अलग अलग आउटपुट होते हैं। तभी आपको क्या यूज करना है, फर्स्ट कंडीशन इफ में लिखोगे, सेकेंड कंडीशन इल सेफ में, थर्ड इल सेफ में, और ऐसे कितनी भी कंडीशन आप लिख सकते हो। और लास्ट में आप क्या बना सकते हो, इल सेफ के बाद लास्ट में आप क्या बना सकते हो, यहाँ के बाद आपको कहाँ आना है, यहाँ आना है, और आपने क्या लिखा, इल्स लिखा, और यहाँ पे क्या लिख दिया, आउटपुट फोर को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है, अब देखो ये वर्क कैसे करेगा, आपको इतना एक्सप्लेन हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि जब मेरे पास मल्टीपल कंडीशन हो और मल्टीपल आउटपुट हो, हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग आउटपुट हो, तभी मुझे क्या करना है, तभी मुझे इल्स इफ का यूज करना है। और अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशन और आउटपुट सिर्फ दो ही हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली मल्टीपल कंडीशन को यहां पे लिख दूंगा लॉजिकल एंड या लॉजिकल और का यूज करके, ओनली क्या यूज करूंगा, इफ इल्स, अगर दो आउटपुट हो तो। लेकिन मल्टीपल कंडीशन के लिए अगर मल्टीपल अलग अलग आउटपुट हो, तो मैं किसका यूज करूंगा, इफ इल्स इफ इल्स इफ, और लास्ट में इल्स लिखूं तो भी चलेगा, ना लिखूं तो भी चलेगा। अब ये ड्राई रन कैसे होता है, टेक्निकली इसको हमारा सिस्टम एग्जीक्यूट कैसे करता है, देखो हमारा सिस्टम क्या करता है। सबसे पहले मेरा जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो मेरी फर्स्ट कंडीशन चेक होगी, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो ये आउटपुट क्या होगा, प्रिंट होगा, एंड फिर ये कंडीशन और ये एक भी ब्लॉक नहीं चलेगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, फर्स्ट आउटपुट मेरा जनरेट होगा, एंड में कहां चले आऊंगा, यहां पर लास्ट। मान लो मेरी पहली कंडीशन फॉल्स निकल गई, तो फिर क्या होता है, सेकेंड कंडीशन चेक होती है, अगर सेकेंड कंडीशन ट्रू है तो ये सेकेंड आउटपुट जनरेट होगा और प्रिंट होगा, उसके बाद न थर्ड कंडीशन चेक होगी न एल्स चलेगा। मान लो आपकी दूसरी भी फॉल्स निकल गई, दूसरी कंडीशन भी आपकी क्या निकल गई, फॉल्स निकल गई, तो फिर क्या होगा, न तो फर्स्ट आउटपुट जनरेट होगा न सेकेंड आउटपुट जनरेट होगा, कौन सा होगा, थर्ड कंडीशन चेक होगी। अगर थर्ड कंडीशन ट्रू है तो इस टाइम कौन सा आउटपुट जनरेट होगा, आउटपुट थ्री, और इल्स नहीं चलेगा। एंड हम कहां चले आएंगे, इस इल्स इफ से बाहर। पर मान लो कभी कभी ऐसा हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकेंड भी फॉल्स है, थर्ड भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और ऐसे हम इल्स इफ और भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है हमारा कितने मल्टीपल कंडीशन और कितने मल्टीपल आउटपुट है। मान लो आपकी तीनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ना तो आउटपुट वन प्रिंट होगा, ना आउटपुट टू प्रिंट होगा, नहीं आउटपुट थ्री प्रिंट होगा। उस टाइम पे क्या प्रिंट होगा, जब सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिक कौन चलता है, एल्स चलता है, और फिर क्या, कौन सा आउटपुट प्रिंट होगा, आउटपुट फोर प्रिंट होगा। देर हम कहां से लाएंगे, प्रोग्राम से बाहर। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा कि भाई अगर सारी कंडीशन फॉल्स है तो एल्स चलेगा, और अगर सारी कंडीशन फॉल्स नहीं है तो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट आउटपुट जनरेट हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन ट्रू है तो सेकेंड आउटपुट जनरेट हो जाएगा, और थर्ड कंडीशन ट्रू है तो थर्ड आउटपुट जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर सारी कंडीशन फॉल्स है तो कौन चलेगा, इल्स, और आउटपुट फोर को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। अब कंडीशन क्या हो सकती है, इसके क्या क्या प्रोग्राम से बन सकते हैं, तो आप टेंशन ना लो, मैं यहीं पे हूं, कहीं नहीं जाने वाला, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। और अब हम पार्ट नंबर 26 में एक इफ इल्स का बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्या होगा, क्लियर होगा। और अभी हम चलेंगे हमारे सिस्टम के अंदर और इसको एक बार हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि हम सिंपली कुछ कंडीशन लिखेंगे, यहां पर कुछ आउटपुट लिखेंगे, कुछ कंडीशन कुछ आउटपुट लिखेंगे, और हम देखेंगे क्या कंडीशन वन ट्रू होने पर सिर्फ ये आउटपुट जनरेट होगा, क्या कंडीशन टू होने पर कंडीशन टू का आउटपुट जनरेट होगा, क्या सारी कंडीशन फॉल्स होगी तो इल्स का आउटपुट जनरेट होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, ये हम चलते हैं सिस्टम के अंदर। और सबसे पहले हम सी में इसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, देन हम पाइथन में करेंगे, देन किस में करेंगे, जावा में करेंगे। अभी हम इससे कोई प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, ओनली हम देखेंगे कि एग्जीक्यूट कैसे होता है, ठीक है गाइस। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल आउटपुट का कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं अगेन किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और आ गया हो तो कमेंट में बताना कि कितना समझ में आया, कैसा समझ में आया और कितना अच्छा समझ में आया। अभी हम चलते हैं गाइस, न देर करते हुए सिस्टम के अंदर, और वहां पर करते हैं इसको इंप्लीमेंट। सो लेट्स गो। तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूं मेरे सिस्टम के अंदर, और यहां पर मैं एग्जांपल देखेंगे किसका, इफ एल्स इफ का। मैंने आपको भी अच्छे से व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है,
हम यहाँ पर एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि मान लीजिए हम नंबर के अकॉर्डिंग क्या वर्ड प्रिंट कराएंगे। अगर मैं इनपुट में वन दूंगा तो ओ एन ई वन प्रिंट होगा, टू दूंगा तो टी डब्ल्यू टू प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल है हमने इंट नम नाम का, और इसकी वैल्यू किससे लूंगा मैं, प्रिंट एफ, क्या बोलूंगा यहाँ पर, इंटर, मैं बोलूंगा इंटर अ नम, एक नंबर क्या कीजिए इंटर कीजिए। अब नंबर में यूजर्स लेने के लिए क्या लिखूंगा, स्कैन एफ एंड परसेंटाइल डी, और नंबर कहाँ स्टोर कर लूंगा मैं, नंबर। अब मैं यहाँ पे क्या मल्टीपल आउटपुट आएंगे, मीन्स मेरा वन आने पे वन प्रिंट होना चाहिए, टू आने पे टू, थ्री आने पे थ्री। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ अगर नम डबल इक्वल टू वन, ये कंडीशन टू कब होगी, जब नम की वैल्यू यूजर में क्या देगा, वन देगा। तो उस टाइम में क्या चाहता हूँ, उस टाइम पे क्या प्रिंट हो, उस टाइम पे प्रिंट हो जाए क्या, ओ एन ई वन। अगली कंडीशन थी मैंने एल्स इफ, मैं बोल रहा हूं अगर नम की वैल्यू क्या हो, टू हो, तो उस टाइम पे कौन चलेगा, एल्स इफ चलेगा, और क्या प्रिंट कर दूंगा मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, टी डब्ल्यू ओ टू। फिर मैंने बोला कि अगर नम की वैल्यू क्या हुई, एक इल से फोर लगाया, ही नम की वैल्यू क्या हुई, इज इक्वल टू थ्री हुई, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा थ्री। ऐसे में क्या मल्टीपल कंडीशन पास कर सकता हूँ कि भाई वन हो तो वन वन प्रिंट हो जाए, टू हो तो टू प्रिंट हो जाए, थ्री हो तो थ्री प्रिंट हो जाए। तो ऐसे मुझे और भी कुछ लिखना है, लाइक फोर हो तो फोर प्रिंट हो जाए, फाइव हो तो एफ आई वी फाइव प्रिंट हो जाए, और लास्ट टाइम क्या बना दूंगा मैं, क्या बना सकता हूँ मैं, एल्स बना सकता हूँ। ये इल से कब चलता है, जब सारी कंडीशन फॉल्स होती है। अभी मेरे पास तीन ही कंडीशन लिखी है, मैं चाहूँ तो चार पांच दस कितनी भी लिख सकता हूँ, पर मल्टीपल कंडीशन, कंडीशन अलग अलग, उनके मल्टीपल क्या है, आउटपुट है, आउटपुट वन, और ये आउटपुट क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंट है। तो इनके लिए अलग अलग कंडीशन और अलग क्या मुझे बनाने पड़ेंगे, इल से ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। अभी ये जितने भी ब्लॉक बनाए मैंने, एक दो तीन चार, इन चारों में से हमेशा कोई एक रन होगा। अगर पहला रन हो गया तो कोई सा रन नहीं होगा, अगर दूसरा रन हुआ तो सिर्फ दूसरा रन होगा, अगर तीसरा रन हुआ सिर्फ तीसरा होगा, अगर तीनों रन नहीं हुआ तो कौन सा होगा, चौथा होगा। और चौथे में क्या बोल दूंगा मैं, अभी मैं बोल सकता हूँ क्या, प्रिंट एफ क्या, इंटर नम लेस देन फोर। क्या अभी हमने क्या सिर्फ थ्री तक बनाया, तो आपको नंबर क्या देना है, फोर से छोटा देना है। तो अगर मैंने वन दिया तो वन प्रिंट होगा, टू दिया टू प्रिंट होगा, थ्री दिया थ्री प्रिंट होगा, और अगर फोर दे दिया तो ये क्या प्रिंट कर देगा, इंटर नम लेस देन फोर। आप चाहो तो फोर के लिए बना सकते हो, फाइव के लिए बना सकते हो, ऐसी कितनी मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हो। सो इसको करता हूं मैं रन, और रन करने के लिए रन बटन पर क्लिक करता हूं मैं, और यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, एड्रेस ऑपरेटर। So, इसको करता हूं मैं पहले स्टॉप, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एड्रेस ऑपरेटर, देन मैं कर रहा हूँ रन, एंड मैंने अगर वन दिया तो क्या प्रिंट होगा, ओनली वन, क्योंकि जैसे ही पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है कोई सी भी कंडीशन रन नहीं होगी। अगर मैं टू देता तो क्या प्रिंट होता, टू, यानी सेकंड कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, ट्रू चल गए डायरेक्ट कहां जाऊंगा मैं, बाहर। अगर सारी कंडीशन फॉल्स होगी, न वन न टू न थ्री, जैसे मैंने फाइव दे दिया, ये क्या बोलेगा, इंटर नम लेस देन। तो ये एग्जांपल है हमारा किसका, वर्किंग ऑफ इफ एल्स इन सी। सो वर्किंग ऑफ इफ एल्स इन सी, अब मैं इसी को बना रहा हूं किसमें, पाइथन में। तो हम चलते हैं कहां पर, पाइथन में, एंड यहां पर रिलोड करता हूं मैं, और इसको किसमें लिखता हूं, पाइथन में। सो यहां पर मैंने पाइथन सिलेक्ट कर लिया, इन पाइथन सबसे पहले क्या लेंगे हम, वही वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, सेम जो हमने अभी बनाया था। तो नम में मुझे यूजर्स क्या लेना है, इंट, एंड यहाँ पे लिखना है क्या, इनपुट फंक्शन, और क्या बोला है, इंटर अ नम, और इस नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या प्रिंट कराएंगे, वर्ड प्रिंट कराएंगे। इफ अगर नम डबल इक्वल टू, यहाँ हम ब्रेकेट नहीं भी लगाएंगे, पाइथन में चल जाता है, एंड कोलन, अगर नम की वैल्यू वन हुई तो क्या प्रिंट करवा देंगे, हम प्रिंट करवा देंगे
क्या, ओ एन ई वन। फिर हम क्या बना सकते हैं यहाँ पर, इल सिप से यहाँ पे क्या होता है, इल इफ कीवर्ड यूज किया जाता है। अगर नम की वैल्यू क्या हुई, टू हुई, देन कोलन, और क्या प्रिंट करवा देंगे हम प्रिंट करवा देंगे टी डब्ल्यू ओ टू। अगर नम की वैल्यू क्या हुई, एल एफ, नेक्स्ट कंडीशन क्या हुई, अगर नम डब्ल्यू टू क्या हुआ, थ्री हुआ, तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, हम प्रिंट करवा देंगे टी एच आर डब्ल थ्री। वरना कौन चलेगा, एल्स। और भी हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, फोर के लिए फोर प्रिंट करा सकते हैं, फाइव के लिए फाइव, सिक्स के लिए सिक्स, पर प्रोग्राम को ज्यादा बड़ा ना बनाने के लिए बस तीन ही कंडीशन लिए मैंने, और एक कंडीशन क्या बोल दिया मैंने, अगर सारी कंडीशन फॉल्स, तो ऑटोमेटिक कौन चलता है, इल से चलता है, इल से क्या प्रिंट कर देगा, इंटर नम लेस देन फोर। क्या आप फोर लेस देन फोर नंबर दीजिए तो वन प्रिंट होगा, वन होगा तो टू होगा, टू प्रिंट होगा, थ्री होगा तो थ्री प्रिंट होगा। लेकिन अगर फोर होगा तो क्या बोलेगा, इंटर नम लेस देन फोर। फाइव भी होगा तो यही बोलेगा, सिक्स में यही बोलेगा, क्योंकि कोई सा नंबर दोगे वन टू थ्री के अलावा, तो इल से चलेगा और क्या प्रिंट करेगा, नंबर इंटर नंबर लेस देन फोर। देखो इसको रन करते हैं हम, मैंने दिया वन तो ये क्या प्रिंट करेगा, वन। मैंने दिया टू तो क्या प्रिंट होगा, टू। मैंने दिया थ्री तो क्या प्रिंट होगा, अगेन देता हूँ मैं थ्री। मैंने दिया थ्री तो क्या प्रिंट होगा, थ्री। अगर मैंने दिया फोर तो क्या प्रिंट होगा, नंबर लेस देन फोर। अगर मैंने दिया फाइव तो भी क्या प्रिंट होगा, इंटर नंबर लेस देन फोर। तो ये गाइस पाइथन में था, और मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जावा में आपको कोड मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जावा में भी सेम ही बनता है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा जावा में कोड। एंड प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।